माशाल्लाह बहुत मजे मजे के हमारे नान बनके रेडी हो चुके हैं, बहुत जबरदस्त किस्म के, घर में बनाए, बच्चों को खिलाए, खुद खाए, मेहमानों को खिलाए, बहुत मजा आने वाला है, बहुत यम्मी किस्म की रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ सलीम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल रोटी छोटी। आज मैं आप लोगों के लिए मजे मजे की रेसिपी लेकर आया हूँ। आज हम बनाने लगे हैं चिकन वाला नान, जो कि बहुत जबरदस्त किस्म का बनने वाला है। आइएगा रेसिपी को मिलकर बनाते हैं, किस तरह से रेसिपी को बनाया जाता है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा ताकि आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छे से समझ आ सके। तो सबसे पहले ये देखिएगा, मैंने डो गूंद के रख ली है, जो कि हम तो इसके लिए मैदे के अंदर नमक डाल के मैंने इसकी डो गूंद के ऊपर से ग्रीसिंग कर ली, क्योंकि सर्दियां चल रही है, अगर मैं ग्रीसिंग ना करूँ तो इसके ऊपर क्रैक्स आ जाते होते हैं। पेड़ा बनाने लगा, थोड़ा सा खुशका उठाए, हाथों पे लगाए इस तरह से, ये देखिए खुशका लगा लिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पेड़ा बना लिए। इसी तरह से मैं बाकी पेड़े बना लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। पेड़े मैंने बना लिए हैं, तो अब सबसे पहले हम जो नान की जो फिलिंग है उसको रेडी करने लगे हैं। तो उसके लिए ये देखिएगा, मेरे पास एक पैन है, मैंने पैन ले लिया है, पैन को चूल्हे पे चढ़ा के जिसे आँच चला लिया मैंने। इसके अंदर सबसे पहले 3-4 टेबल स्पून आप ऑयल डाल दें, कुकिंग ऑयल मेरे पास मौजूद है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। प्याज बीच में डाल दें, प्याज को मैं लाइट ब्राउन होने तक पका लेता हूँ। नान की फिलिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इस टाइम पे आके हम पेड़ा बना लेते हैं। ये देखिए, ये पेड़ा हमने बनाया हुआ था, इसको मैं हाथों की मदद से इसकी किनारियां जो है ना पहले पतली कर लेता हूँ। खुश्के में कंजूसी ना किया करें, तो अच्छे से इस तरह से फैला लें। अब इस टाइम पे आके हमने जो फिलिंग रेडी की हुई है वो बीच में डाल लें, इसमें भी कंजूसी ना करें। अब इस टाइम पे आके इसको किनारियां इसकी उठाएं, इस तरह से जोड़ते जाएं साथ के साथ, खुशका इसके ऊपर डाल के साइड पलट दे और बेलने की मदद से इसको बेल ले। अब इस टाइम पे आके हाथों की मदद से ऐसे उठा ले और तवे के ऊपर इस तरह से डाल दें। साइड चेंज कर लेते हैं, ये देखिएगा कितना प्यारा कलर आ चुका है सुहानंदा, ये देखिए। इसको मैं उतार लेता हूं अब इस टाइम पे आके लीजिएगा।
सुभानअल्लाह, ये देखिएगा हमारे मजे मजे के नान बनके रेडी हो चुके हैं। ये देखिएगा चिकन वाले नान बनके रेडी हो, खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिएगा, ये देखें सुभानअल्लाह, कितने मजे के नान बनके रेडी हो चुके हैं, बेहतरीन किस्म के नान बनके रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको टेस्ट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। बिस्मिल्लाह रहमान, ये मेरे पास मायनीज मौजूद है। आप चाहे तो रायते के साथ, आप चाहे तो केचप के साथ, किसी भी चीज के साथ आप ट्राई कर सकते हैं। मुझे मायनीज अच्छी लगती है तो मैं मायनीज के साथ ट्राई करता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान, माशाल्लाह बहुत मजे के हमारे नान बनके रेडी हो चुके हैं, बहुत जबरदस्त किस्म के। घर में बनाए, बच्चों को खिलाए, खुद खाए, मेहमानों को खिलाए, बहुत मजा आने वाला है। बहुत यमी किस्म की रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है। ये थी हमारी आज की रेसिपी, चिकन वाले नान की रेसिपी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, दोस्तों आवाज में इसको शेयर कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।